आपके पेरेंट्स हेलमेट नहीं पहनते? नहीं नहीं पहनते? कभी पहनते कभी नहीं पहनते। ओह माय गॉड, देखो इन्होंने बताया कि कभी पहनते हैं कभी कभी नहीं पहनते हैं। तो अब से आप अब बताओगी उन्हें कि हेलमेट पहनना क्या क्या फ़ायदा होता है हेलमेट का? उससे चोट नहीं लगती। उससे चोट नहीं लगती है? देखो एक छोटी सी बच्ची को पता है कि हेलमेट पहनने से चोट नहीं लगती है। एक बार ताली बजाओ इनके लिए सभी। वेरी गुड। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मेरे पापा रोज हेलमेट लगाते हैं। वेरी गुड, इनके पापा रोज हेलमेट लगाते हैं, इनके लिए भी तालियां बजाओ। और वो और कोई बताएगा, और कुछ बताना चाहता है? यस, मेरे पापा कभी कभी नहीं पहनते, मेरे पापा कभी कभी पहनते। अच्छा, कभी कभी पहनते हैं कभी कभी नहीं पहनते। जब आपको साथ में घुमाने लेके जाते हैं तब पहनते हैं। हाँ, ये हेलमेट पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? पहनना चाहिए। क्या होता है इससे? हमारे सिर में चोट नहीं लगती। वेरी गुड वेरी गुड। क्या आपका नाम? अरे परमार जी ने बताया सही। छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे, इससे कोई आंकड़े नहीं बताने वाले हैं जिससे आपको डर लगे। अभी आप जिस पर खड़े हैं इसका क्या नाम है? जेब्रा क्रॉसिंग, जेड फॉर जेब्रा। जेब्रा नाम का जो एनिमल है उस पर ब्लैक और वाइट पट्टी होती है, तो उसी के नाम पे इनको रखा जेब्रा क्रॉसिंग, जो पेडेस्ट्रियन के काम आती है। इस पर कौन लोग चलते हैं? पैदल लोग चलते हैं, लेकिन काफ़ी सारे जो ज़्यादा समझदार लोग होते हैं जो बाइक वाले, वो पेडेस्ट्रियन पर जो जेब्रा क्रॉसिंग पर अपनी बाइक खड़ी कर देते हैं, जबकि उन्हें बाइक कहाँ खड़ी रखनी है? स्टॉप लाइन के पीछे, जो स्टॉप लाइन होती है, ऐसी स्टॉप लाइन वो बनी है, वो जहाँ मैडम खड़े हैं, हाँ उस स्टॉप लाइन के पीछे वाहन को खड़ा करना चाहिए उन्हें। और ये किन के लिए है? ये अपने लिए। किन के लिए है? अपने लिए। इससे हम वॉक करके सुरक्षित घर तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो अब एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि ट्रैफिक में सिग्नल होते हैं, कितने होते हैं? तीन सिग्नल होते हैं। ये देखो, ये वाले जो सिग्नल का वो लगा हुआ है, ऐसे इसमें तीन सिग्नल होते हैं। फर्स्ट कौन सा है? रेड। रेड मीन्स स्टॉप। सेकेंड है येलो। येलो येलो मीन्स वेट। और थर्ड है ग्रीन। ग्रीन मीन्स गो। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप ट्रैफिक पार्क में आए हैं। बाय बेटा, बाय 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 बाय। और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। क्या ये है ना, इतना लेक्चर हो गया पर मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलना तो भूल गया आपको। चलो बढ़िया है ना, फिर घूमना, एंजॉय करना और नई नई ड्रेस खरीदना, पक्का।